ये जो रात मसला बना है, ये कोई दुश्मनों की चाल तो नहीं है? कोई पता नहीं है मामू, बस हमारा तो दिल धक धक करने से रात को नहीं। इधर से ऐसे गुजरे, पहले मारा उसने बट्टा, अच्छा सिल मारी कुत्ते को, अच्छा वो बोलती बोलती आई, फिर एकदम उठे हम। क्या हो गया नीचा जी? औकत आ चुके हैं, धूप भी निकल चुकी है, इनको बुलाया मैंने, मैवेश बेटी की लेकर आनी है सोलर प्लेट। चले भाई जान, कोई बात नहीं भाई, जो काम करना है ना वो तो करना है, ठीक है। तबीयत तो ये होती रहेगी सही, ये अगर तबीयत तो इस तरह रही तो फिर काम तो नहीं छोड़ सकते ना। चलें बस चलें, गाड़ी करें स्टार्ट। गाड़ी जी हमारी तैयार हो चुकी है, मोहम्मद प्यारा और दादा अबू भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब चलते हैं बाजार। दादा अबू क्या करवा रहे हैं? चलें भाई जान, चलें जी भाई जान। सही है, सही है, प्लेट पसंद आई है। यहाँ से जी हमने सोलर प्लेट परचेज कर ली है, ये हमारे विलेज की मशहूर दुकान है। एक दाम होता है, चीज खास होती है भाई जान। 5 साल की है गारंटी? 5 साल की गारंटी। तो कौन से पैनल? रोंगी कंपनी का पैनल है, 200 वाट का, 12 एम्पीयर। हाँ जी, चलते हैं घर, जाकर फिर खोलेंगे और फिर आप बहन भाइयों को दिखाएंगे। प्लेट लेकर हम आ चुके हैं और यहाँ पर जो भाई जान की प्लेट लगाई हुई थी, आप अपनी प्लेट की हिफाजत कीजिएगा और इनकी जो अमानत है इनको सेट कर देनी है। प्लेट को खोलें और छुरी लेकर आते हैं और मैविश बेटी है यहाँ पर धो रही है बर्तन। हाँ जी बेटा, ठीक मामा, सुनाओ की तबीयत कैसी है? तबीयत अब ठीक है, अभी जो कमर का दर्द है ना वो ठीक हो गया है, अभी है थोड़ा थोड़ा, तो दुआ करें कि इंशाल्लाह ठीक हो जाए। सर्दी है ना, चोट है ना, इसलिए मैं तो आ नहीं सकी मामा, क्योंकि अम्मी की भी तबीयत खराब थी, घर का सारा काम करना पड़ा। मैंने आज कहा था भैया चलेंगे हम। हाँ जी, फिर आप आ गए। तो प्लेट का तो आपको नहीं बताया ना, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपको दिया जाए गिफ्ट, नए साल का नया तोहफा दिया जाए, तो बता नहीं सके। अचानक मैंने बुलाया आपके खालू को भी, मैंने कहा चलें प्लेट ले आए, जुमे का दिन है, चलो आपकी अमानत आई है, तो सिस्टर का शुक्रिया अदा करें। जिस फूफो ने ये प्लेट भेजी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, उन्होंने भेजे थे पैसे, फिर लेकर हम आए हैं, ठीक है, उनका सिस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बेटा चलो धो लो आप बर्तन, काम बहुत किया है बेटी ने, सारी सफाई की हुई है घर की और कपड़े भी धो के रखे हुए हैं। सिस्टर बैठी हैं वहाँ, धूप लगवा रही हैं। तो चलें बेटा कर लो आप काम, हम प्लेट वगैरह जो है वो सेट कर लेती हैं, ठीक है। अच्छा बेटी कब से खप रही है बेचारी, तो ये धुलने में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्योंकि लकड़ी होती है बहुत ज्यादा, तो अब ये हमने भी लेके जाना है। कौन सा? ये? हाँ जी, क्या करना है इसमें? वो ना कुछ आपके जो छोटे मामू है ना, उन्होंने कुछ पता नहीं कोई पार्टी की हुई है, चलो मुझे कोई यखनी मिल जाएगी। कोई मुर्गा बीमार हुआ तो उसको जिबा कर दिया है। अच्छा। तो यखनी चलो मैं अपनी ले लूंगा ना इसमें से, तो ये हमें धो के दे देना आपने, ठीक है ना। यखनी फिर आपने या तेल है, खाना मुझे भी खिलानी। वो बच्चों की पाल्टी है, मैंने तो सिर्फ यखनी लेनी है। यहाँ पर भाई शौकत जो है प्लेट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसको ना फिर टेपे लगाएंगे ना जी। हाँ, यहाँ से तार लेकर आए हैं बहुत बड़ी बैटरी चार्ज करने के लिए, तो इंशाल्लाह ये आपको मैविश बेटी है ना जो, इसके लिए ये बहुत लाइफ टाइम चलेगा, इसकी हिफाजत करेगी, ऐसे है ना भाई जान जी। चले फिर इसको फिट कर लेते हैं और फिर देखते हैं ये करंट देती है कि नहीं दे। जी भाई जान लगा कर देखें, चलती है? क्या हो गया नहीं चल रही? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मुबारक हो भाई जान, आप कामयाब हो गए। मोटर जी पानी देने लग गई है और बहुत ही अच्छी तरह से पानी दिया जा रहा है मोटर से। ये मीठी मीठी धूप है अभी। हाँ जी, ये जो प्लेट लेकर आई है इसी प्लेट पे ये चल रही है माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह जी नसीब करे, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपके। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बाजी। खैर मुबारक आप लोगों को भी, बहन भाइयों को। अल्लाह से जी मैविश बेटी ने जो बर्तन धो लिए हैं, और इंट्रो कर लो बेटा सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको ठीक ही रखे और देखने वाले बहन भाइयों को भी ठीक रखे। मेरी तरफ से भी प्यारे बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और बेटा सब ठीक हो, खैरियत है? हाँ जी सब ठीक है मामू। एक बहुत ही बड़ी परेशानी है, रात को ना यहाँ से, हाँ जी, तो तीन बंदे आए हुए थे चोरी करने के लिए, हम सारे परेशान हो गए थे, रात को जागते रह गए थे यहीं पे। अच्छा, क्योंकि उस साइड पे भी दरवाजा खुला हुआ है, इस साइड पे नहीं लगा हुआ, सारे खुले ही हैं तीनों। किधर आए हुए थे चोर? यहीं आए हुए थे, इधर बाहर आए हुए थे। हाँ जी। अच्छा चलो मुझे दिखाओ, मौका देखते हैं
पर इसका कोई हल है ना, वो भी निकालते हैं। प्यारे बहन भाइयों, ये जो है जगह, ये भी खुली हुई है जगह, आप देख सकते हैं ये वाली जगह भी खुली है। सबसे पहले आप ये करें, मैं कोई छोटी सी ना खिड़की का पता करता हूँ, आप यहाँ ना खिड़की लग, ये सारी बंद कर ले, हाँ इधर से दरवाजा लगा ले, ये जगह बंद हो जाए। हाँ जी भाई, सारा ये सीधा हो जाए। ईंटों का बंदोबस्त है या नहीं है? ईंटों का यहाँ से हो जाए, ईंटे लग जाए ना, ये बंद हो जाए। हाँ, क्योंकि ये भट्ठा जहाँ पे महेश बेटी रहती है, ये भट्ठा है बंद, यहाँ पे ईंटे नहीं है। चलो बहरहाल कुछ करते हैं, ये वाला है ना दरवाजा, ये तो ईंटों से बंद करते हैं ना, ये वाला नहीं, उधर परली साइड वो भी बंद करते हैं। ये आपका मसला ये वाला है, ठीक है, वो उनका मसला है। नहीं, खालो कह रहा ये कि ये एक ही हवेली बन जाएगी। अच्छा, वो बंद करनी है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो मजा आ गई समझ, वो बंद हो जाएगा ना, ये अंदर खुला रहेगा। चलो ठीक है, बाहर वाला दो है ना बहन भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ भाई क्या इश्यू चल रहा है। भाईजान क्या मसला बना है? मैं वैसे बेटी कह रही है कि कोई मसला बना है जी यार, कल रात ना हाँ आदमी आए हुए थे तीन चार। अच्छा, तो इधर से ऐसे गुजरे, पहले मारा उसने भट्टा, अच्छा सिल मारी कुत्ते को, अच्छा वो बोलती बोलती आई, फिर एकदम उठे हम, अच्छा फिर देखा हमने एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ था, अच्छा एक वहाँ खड़ा हुआ था। ये तो बहुत ही खतरे की बात है, क्योंकि ये है गांव, मगरिब के बाद यहाँ से कोई बंदा नहीं मिलता, बहुत परेशानी की बात है हमारे लिए और महवेश बेटी की फैमिली के लिए। ये भी मेरी फैमिली है, ये मेरी बेटी है, तो ये मेरी सिस्टर हैं, मेरे ऊपर जान देती हैं। जब मैं छोटा था तो इन्होंने हमें, मुझे बहुत ही मेहनत करके इन्होंने पाला है, इनका एहसान मैं नहीं चुका सकता। मेरी शादी भी इन बहनों ने मिलकर करवाई थी, इनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। तो सबसे पहले भाईजान आपने क्या करना है, ये वाला जो ये रास्ता गल्ला है ना, इस गल्ले को बंद करें। ईंटें हैं या नहीं है? ईंटे हैं नहीं है, ईंटे लानी पड़ेंगी भाई, ईंटे लानी पड़ेंगे। चलो अल्लाह खैर करता है, मैं कुछ ये बंद कर, पुरानी ईंटे मिल जाए ना, कहीं देखेंगे कहीं से। हम कहते हैं यहाँ गेट एक लग जाएगा, हमारा गेट कर देते हैं, हम कहते हैं एक ही से हो, क्यों यहाँ से भी खुला हुआ, इधर से भी खुला, क्यों के उधर से भी आ सकते। अब मैं आपको प्यारे बहन भाई मसला बताता हूँ ना, ये तो प्लेट चलो महवेश बेटी की आ जाइए, ये तो इनकी है, ये है खुला, ये सो जाते हैं अंदर कमरे के, फिर यहाँ पे मोटर है, नलका है, ये मसला बना हुआ है। तो इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। तो मैं ना कोशिश करता हूँ कि ना आपको यहाँ ना दरवाजा लगवा दूं, ताकि भाई आपके जो बाबा की गदा रेडी है ना, वो भी अंदर चले जाए, बेशक लकड़ी का लग जाए। एक तो ये होगा कि पर्दे का इंतजाम हो जाएगा, पर्दा होगा, बाहर से पर्दा नहीं पड़ेगा, कोई आएगा पहले दरवाजा बजा कर आएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपका दरवाजे का बंदोबस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं बहुत नहीं बेटा, ये देखें, अगर मैं आप आपके लिए कुछ कर रहा हूँ ना, आपकी बड़ी तो इंशा हमारे लिए कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं मेरा बेटा, मेरे देखो ना, हमारे लिए कर रहे हैं। तो देखो बात ये है कि अब्बू ने, अब्बू के जो मेरे सर पे है, अगर मैं आपका सहारा नहीं बनूंगा, जो आपके दुश्मन है ना, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों का मुकाबला करेंगे, ये कोई बात है? हाँ जी, काफी मसले में बेटा, दूध लाई हो मंगाया है, चल बेटा फिर चाय बना लो, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है, खुश हो जाओ, ठीक है ना। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा मसला, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है ना बाजी, इंशाल्लाह दरवाजे का हो जाएगा बंदोबस्त। चलो बेटा चाय बना लो, फिर मैंने घर जाना है। बाहर की मैंने सारी सफाई कर ली है, अभी बस कमरों की झाड़ू रह रही है देने के लिए। मामू आ गया, मैंने कैसे चाय पिला दूं। हाँ जी, क्या मामू ने जाना है घर उसकी, और ये दे, मैंने कहा पहले चाय बना। हाँ जी चाय बेटा बना लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात समझाओ, ये जो रात मसला बना है, ये कोई दुश्मनों की चाल तो नहीं है? कोई पता नहीं है मामू, बस हमारा तो दिल धक धक करने से, रात को नींद भी नहीं। तो मुझे फोन कर लेना था आपकी, पहले वैसे तबीयत तो खराब थी, फिर और ज्यादा मसला। तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही चल फिर तो लेता हूँ, दर्द है, पेन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब से सिस्टर ने दवाई बताई है मैं यूज कर रहा हूँ, तो अब काफी बेहतर है तबीयत। जब भी कोई ऐसा मसला हो ना, आपने मुझे कॉल कर लेनी है, ठीक है ना, दो मिनट में लगते हैं आने में, कोई परेशानी होती है। चलो बनाओ, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक है ना। चलो बस दुआ करो कि मामू की तबीयत ना ठीक हो जाए, जो कमर की तकलीफ है, मोरों की, ठीक हो जाए, दुआ करनी है नमाज पढ़ के, ठीक है बेटा। चलो अब बना लो चाय, चाय पीते हैं जी, फिर चलते हैं घर। बेटा चाय लेकर आई हूँ मामा। ओए मैं सदके पुत्र थे, मैं बैठा हूँ जी, बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। अब कैमरे को करते हैं बंद और चाय पी लेते हैं, फिर मैंने जाना है अपने घर, ठीक है बेटा। भाई जान पकड़ लें चाय को, चाय को, चाय भी नहीं, चाय को। चलें जी चाय आ गई है, चाय पकड़ लें बाजी।